কোথায় এমন চলে যায় না, হাই হাই করে। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल रात को ब्लॉग नहीं कर पाया, बहुत ठंड था, थोड़ा रेस्ट कर लिया ज़्यादा। तो आज 26 दिसंबर है, हम लोग रानीखेत में हैं। कल शाम को पहुँचे 5:30 बजे। ये है होटल पार्वती इन रानीखेत मार्केट में। तो लकीली ये होटल भी हम लोग अच्छा ही हम लोगों को मिल गया। 1000 रुपीज रूम रेट है, बाइकर्स के लिए ये लोग थोड़ा कम कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया होटल है, देख लीजिए रूम। बाहर जाएंगे तो बाहर से भी इसका व्यू दिखा देंगे। ठीक है, तो लगेज पैक करते और चलते हैं आज जोशी मठ की तरफ। जोशी मठ यहाँ से 213 किलोमीटर है, रानीखेत से जोशी मठ 213 किलोमीटर है, तो टोटली हिली एरिया, टाइम बहुत ही लगेगा। अभी 8 बजा है, निकलते निकलते 9 बज जाएगा, तो पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। हम तक तो पहुँचना ही है, क्योंकि शाम के बाद गाड़ी बाइक कुछ भी चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ठंड है। ठीक है, मिलते हैं रास्ते में। तो चलिए बाहर जाके फिर मिलते हैं। तो ये रहा टॉप व्यू, वो सामने पहाड़ दिख रहा है, कैमरा में बढ़िया दिख रहा है कि पता नहीं। हमने होटल मयूर, ये है पार्वती इन, सामने से यहाँ से एंट्री है। स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहा है पूरा। जोशी मठ आवली जाएंगे तो सामने हाथ में मिलेगा बर्फ, यहाँ बहुत दूर है और कुछ देर की बाकी है, फिर पहुँच जाएंगे जोशी मठ। ये आ गया मेरा दोस्त। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसा लग रहा है रानीखेत, जरूर कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। मौसम बड़ा सुहाना है आज, धूप है, बाइक चलाने में मज़ा आ जाएगा। लेकिन 3 बजे के अंदर पहुंच पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही शाम ढलेगा तो बहुत बहुत ही ठंडा, बहुत ठंडा है वहाँ पे। तो कल दिखा रहा था गूगल वेदर में -2, तो उस टेम्परेचर में बाइक चलाना मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कैसा लगता है। तो रानीखेत में आज तक गई, यहीं तक है रानीखेत, इसके बाद हम लोग चलेंगे जोशी मठ की तरफ। तो साथ रहिए, वीडियो का मज़ा लीजिए, मेरे साथ चलते रहिए।
और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये रहा होटल का व्यू, पार्वती इन, लगेज इंस्टॉल हो गया। कौन है यहाँ पे? राजमा चावल दे दीजिए। तो यहाँ पे लंच करेंगे, यहाँ से लंच करने के बाद जाएंगे कॉर्नोपुर आर्क, जो अभी 70 किलोमीटर है, उसके बाद 90 किलोमीठर है जोशी मठ। तो अभी टाइम हुआ है 12:30, जोशी मठ 6 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। फिर रेस्टोरेंट के पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही बढ़िया है, लुबड़ा वैली जैसा लग रहा है। वहाँ पर भी एक होटल में थे, उसका पीछे का सीनिक ब्यूटी ऐसा ही थोड़ा सा था। लुबड़ा तो बहुत बढ़िया है, ये थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है। बढ़िया है जगह, बढ़िया जगह पर रेस्टोरेंट बनाया है। पहुंच गए आदि बद्री पहुंचे, उसके बाद और 20 किलोमीटर कर्णप्रयाग, वहां से जस्सी मठ लगभग 80 से 90 किलोमीटर। तो वहीं पे शाम होने को है, पता नहीं आज जस्सी मठ हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पाया तो कल निकलना पड़ेगा सुबह सुबह जस्सी मठ, वहाँ से आओ जस्सी मठ से आओली 3 किलोमीटर रोपवे में जाना पड़ता है, 1000 रुपीज़ लेता है रोपवे, वक्त लॉन्गेस्ट रोपवे, 4.5 किलोमीटर रोपवे में जाना पड़ता है जो समोसा है। फिर वापस 4.5 किलोमीटर, टोटल 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होगा शायद, 1000 रुपीज़ लेता है वो सुबह। तो ये आदि बद्री, यहाँ से करना पड़ा देखे 19 किलोमीटर। Let's go to Kanapura.
perky just to start a pack, just to warm up walls. Walls pop a perky just to start a pack. Got two cups of perk just to warm up walls. Walls pop a perky just to start a pack. Got two cups of perk just to nice view, करने पर बस पहुंचने वाले हैं 3 किलोमीटर है करने पर के आगे सिमली है छोटा सा गांव, पास से ये नदी बह जा रहा है। ब्यूटीफुल বড় টাইম চলে যায় না হাই হাই করে একটু পেছনে হয় না পড়ে গেছে রানিং এ পড়েছিস? রানিং এ কাজ হ্যাঁ গেছে নাকি?
তেলটা বন্ধ কর, গিয়ারটা নিউট্রাল। আরে ওষুধ দেখো, ওষুধ দেখো। तो पहुंच गए करण पार्क। यहाँ पे एक लॉज है, मायरी टूरिस्ट लॉज, और भी एक है दिगंबर टूरिस्ट लॉज। देखते हैं किसमें जगह मिलता है। फिर दोस्त जा रहा है पूछने के लिए, तो चलिए रूम में पहुंचते हैं। उसके बाद अगर हो सके तो ब्लॉक करेंगे, नहीं तो सुबह जो सिमट जाने के टाइम पे। ओके, तब तक के लिए बाय।